हेलो एवरीवन वेलकम टू बीएमआरडी तो कैसे हैं आप सब आज हम बात करने जा रहे हैं कि सी के माय इजी इजीएस्ट में अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को रिसेट कैसे करें यहाँ हम लॉगिन पर चलेंगे लॉगिन पर क्लिक करने के बाद न्यू सिस्टम माय इजी लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपकी अगर कोई क्वेरी है सी को लेके तो आप हमें कम कमेंट जरूर करें हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की तो हम यहाँ फॉर्गोड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे फॉर्गोर्ड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम आ चुके हैं स्टेप वन पर सेलेक्ट में करेंगे हम बी ओ बेनिफिशरी ऑनर एंड यहाँ हम अपना डीमेट अकाउंट नंबर डाल देंगे जो कि सिक्सटीन डिजिट का होता है सी डी एस एल का डीमेट अकाउंट नंबर स्टार्ट होता है नोमेरिक से लाइक वन टू सेम यहाँ मैंने अपना डीमेट अकाउंट नंबर डाल दिया है यहाँ मुझे अपना लॉग इन नेम फिल करना होगा अगर आप इनकेस अपना लॉग इन नेम भूल गए हैं या काफ़ी टाइम बाद आप अपना लॉग इन कर रहे हैं एंड आपको लॉगिन नेम याद नहीं है या कुछ उसमें मिस स्पेलिंग हो रही है तो आपको मैं सबसे बढ़िया एक ऑप्शन बता दूं आपको यहाँ सर्च पर क्लिक करना है सर्च पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका नेम उठा देगा इन केस आप अगर अपना लॉगिन नेम रॉन्ग फिल करते हैं तो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा यहाँ मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आ जाएंगे या आप अपना पैन नंबर फिल कर सकते हैं या अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपने ई में रजिस्ट्रेशन की होगी या फिर आपने अपने ट्रेडिंग ब्रोकर को दी होगी या आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो यहाँ मैं अपना पेन नंबर फिल करूँगा एंड यहाँ मैं आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली द न्यू पासवर्ड सेंड टू दिस मेल मेल आईडी तो मुझे पासवर्ड मेरी ई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड हो चुका है यहाँ मुझे मेरा पासवर्ड मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मिल चुका है योर डीमेट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड एंड यहाँ डी डीमेट अकाउंट होल्डर ये आपकी बी ओ आई डी यानी डीमेट अकाउंट नंबर हो गया यहाँ रीसेट ऑफ पासवर्ड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट योर पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग योर ईजिएस्ट लॉग इन हैज बीन सक्सेसफुली रीसेटेड एंड योर न्यू पासवर्ड इज दिस तो यहाँ मुझे रीसेट पासवर्ड मिल चुका है एंड इट इज़ नेसेसरी दैट यू चेंज द पासवर्ड यह जरूरी है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें जो कि सी डी एस एल ने भेजा है एट द फर्स्ट लॉग इन पहली बार जब आप लॉग इन करें डू कीप योर पासवर्ड कॉन्फिडेंटियल तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा यह yeah, एक टेम्प्ररी टाइप का पासवर्ड है तो मैं यहाँ फिर से आपको लॉग इन कर दिखाऊँगा यहाँ इसे मैंने कॉपी कर लिया है एंड यहाँ मैं फिर से इजी पर जाऊंगा यहां मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपना यूजर नेम फिल करूंगा और यहाँ पासवर्ड को एंटर कर दूंगा एंड यहाँ मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कैप्चा हमने फिल नहीं किया था यहाँ आई एम अ रॉबोट पर क्लिक करना है देन लॉगिन पर क्लिक करना है लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की विंडो आ जाएगी यहाँ हमें ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो कि मुझे मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिला था जब मैंने रीसेट किया था एंड अब आप अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं मैं यहाँ न्यू पासवर्ड बना दू अपना यहाँ न्यू पासवर्ड एंटर किया एंड यहाँ कन्फर्म पासवर्ड पर भी एंटर करेंगे यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ एक बार आप नोट में जरूर पढ़ें पासवर्ड शुड बी आ मिनिमम एट कम से कम एट करेक्टर का एंड ज्यादा से ज्यादा चौदह कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए कंसिस्टेंटली ऑफ ओनली अल्फाबेट एंड नंबर पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो अल्फाबेट यानी ए बी सी डी में बनाएंगे और नंबर के साथ बनाएंगे यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया है तो यहाँ मैं ओके पर क्लिक करूँगा एंड मैं फिर यहाँ लॉगआउट पर क्लिक करूँगा जैसा मेरा पासवर्ड बन चुका है एंड आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अब तक आपने बी एम आर डी इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी एम आर डी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर भी करें जिन लोगों को पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता है या जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है पासवर्ड रीसेट करने की एंड आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जहाँ हमने सी डी एस एल के एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो